लो वीर, हो गई तुम्हारी सर्विसिंग। मैं जरा ये सामान वापस रख दूं। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये वीर रोबोट है। आज देखता हूँ, इसे तो ऐसा खराब करूंगा कि फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जाओ वीर, अब तुम बाहर जाकर खेल कूद सकते हो, खा पी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। दादाजी, मैं पहला ऐसा रोबोट हूँ जो इंसानों की तरह खा पी सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ वीर, मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए बनाया है कि लोगों को तुम पे शक ना हो कि तुम इंसान नहीं, एक रोबोट हो। अमेजिंग रोबोट। दादाजी, कुछ कुछ मैं वीर, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं दादाजी, पता नहीं क्या हो रहा है। दादाजी, वीर को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, वीर अचानक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वीर, वीर! हाँ? वीर, इधर अंदर चलो, बंटी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बंटी, वीर तो घर पर नहीं है। दादाजी, वो घर पे ही है, नहीं तो इमली चुलबुल यहाँ नहीं होते। मैंने उसे अभी अभी अंदर आते देखा है। यस यस, मुझे पता था वीर यहाँ है। ये देखो। क्या पता था? वीर तो यहाँ ब्रेक डांस कर रहा है। वीर का राज फाश हो जाएगा कि वीर एक रोबोट है। मम्मी, पापा! हिमली, मुझे वीर को ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। अब ये बंटी सबको बुला लाएगा। वीर, चुटकी बजाओ, जल्दी चुटकी बजाओ, वही मदद कर सकता है। क्या हुआ चिंटू? वीर के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गई है। बंटी को शक हो गया है। वो अपने मम्मी पापा को बुला के वीर की पोल खोलने गया है। कुछ करो। डोंट वरी, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। दादाजी, आप वीर को अंदर ले जाओ, मैं बंटी को संभालता हूँ। फुर्सतगंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है? इसका क्या हो रहा है? ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी, अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तक कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा, कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी, इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात देखना ना भूले कैसे सुलझाया हमने पानी का रहस्य। दादाजी, क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ, मैं भी डर गया था। दादाजी, जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए, वाह, थैंक्स। ओए, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ओए, थैंक यू वेरी मच पुत्र, थैंक यू वेरी मच। तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते रहते हो? हाँ, जब करो तो सीधी सीधी हरकतें ही करो। मेरा मतलब है कि अकेले मिस्टर चड्डा की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा जिंटू, करनी है तो पूरे फुर्सतगंज की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना अभी तो मिस्टर चड्डा नहाने के पानी के लिए आए हैं, कुछ देर बाद बाकी सारे लोग यहाँ नहाने आ जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है,
तो अभी देता हूँ हर सवाल का एक जवाब। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब हर घर के ऊपर क्लाउड है, किसी को पानी की कमी ही नहीं होगी। जिंटू, तुम्हारा एक बखेड़ा बंद नहीं होता और तुम दूसरा खड़ा कर देते हो। बंद करो ये सब और लोगों को भुला दो कि उन्होंने बादल से पानी भरा। क्या बात है ऊपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं। वाह वाह वाह, हर घर के ऊपर बादल, ये तो कमाल हो गया। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये तो चीटिंग है, ये नहीं चलेगी। कोई चीटिंग नहीं, ओके? इस गेम में मजा नहीं आ रहा, कोई दूसरा गेम खेलते हैं। पर सब गेम तो पुराने कैसे पिटे हैं, कुछ नया नहीं है। हे चिड़ियो, तुम्हें मेरा ही मुंह दिखा क्या बीट करने के लिए? बच्चों आ जाओ, तुम सब के लिए गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, जल्दी आ जाओ। थैंक यू दादाजी। तुम लोग सुबह से खेलने में लगे हो, बरसात का मौसम है, ठंड लग जाएगी, इसलिए ये गर्मा गर्म दूध तो ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें जुकाम नहीं होगा, समझ गए? अभी देख मैं दादाजी कितना परेशान होते हैं। ओहो वीर, तुम्हें जुकाम हो गया है, मैं इसी का डर था। चलो जल्दी जल्दी घर चलो, तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं खेलना चाहिए, चलो चलो चलो। दादाजी आप हमेशा भूल जाते हो कि मैं एक रोबोट हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रोबोट को जुकाम नहीं होता। शैतान, ये मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ है? क्योंकि मैं तुम्हें तो रोबोट समझता ही नहीं। ओके, एंजॉय बच्चों, चलता हूँ है? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। जिंटू क्या कर रहे हो, ये जादू खत्म करो। नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ इसे वापस कर दो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हैप्पी बर्थडे वीर। थैंक यू दादाजी, आपको मेरा बर्थडे याद था। लो भाई, आज का दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज के दिन ही तो मेरा सपना साकार हुआ था। कैसा सपना दादाजी? मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना, आज के ही दिन मैं तुम्हें बनाने में कामयाब हुआ था। ओ दादाजी, यू आर ग्रेट। यू टू वीर। क्यों ना हम वीर को सरप्राइज पार्टी दे, इमली से जाके बात करता हूँ। आज गिरना ही लिखा है क्या? चुलबुल, तुम जमीन पे लेटे हुए क्या कर रहे हो? अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। चुलबुल, तुम्हें पता है आज वीर का बर्थडे है, क्यों ना हम उसे सरप्राइज पार्टी दें? अरे यही तो मैं तुमसे कहने आ रहा था। और सुनो, ये बात जिंटू को मत बताना, उसे बताया तो वो वीर को बता देगा, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। नहीं इमली, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसकी लॉयल्टी हमसे कम, वीर के साथ ज्यादा है। चलो पार्टी की तैयारी करें। हाय इमली,
तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाय वीर, हम लोग जरा कुछ काम से जा रहे हैं। बाय वीर। एनिमल टॉकिंग मोड ऑन। अब आप किसी भी जानवर से बात कर सकते हैं। क्या हुआ तुम्हें? वो तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? मैं बहुत बीमार हूँ। वो लोग मुझे यहाँ छोड़ के भाग गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? ओके, डोंट वरी, रोना मत, मैं देखता हूँ उन्हें। तुम आओ मेरे साथ। रोबो बॉय सूट ऑन। Robo Boy, you're on.